सुनहरा महम से मैंने आज तक बात नहीं की, कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। सुनहरा महम, आप भी इसी माशरे में रहती हैं, आप भी पाकिस्तान की बेटी हैं, क्या आपको वो तमाम हकायक मौजूद नहीं थे? दुआ ज़ारा तो चले बच्ची थी, छोटी थी, कम उम्र थी, क्या आप बच्ची थी? अगर आप कौम से माफी नहीं मांगती, आप ये साबित कर देंगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं फरा इकरार, आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वही दुआ, और उम्मीद के आप जहां कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रही हूं, उसको रिकॉर्ड करते हुए मेरे दिल में बहुत सुकून और इत्मीनान है, और उसकी वजह यह है कि दुआ ज़हरा के वालदैन को बड़ी कामयाबी मिली है। आज की वीडियो में मैं सुनहरा महम से बात करूंगी, ज़हीर के हवाले से भी बात करूंगी। सुनहरा महम से मैंने आज तक बात नहीं की, कभी उनका नाम नहीं लिया, लेकिन आज मैं मजबूर हूं कि मैं उनको मुखातिब करके कुछ बातें करूं, जो मेरे दिल में है वो कहना चाहती हूं और आज कहूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी उस शख्स की जो हम सबका हीरो है, वो है दुआ ज़हरा के वालिद सैयद मेहदी साहब। मैं सलूट पेश करती हूँ उस इंसान को कि जिसने पूरी दुनिया की बातें सही, ताने सहे, किस तकलीफ से, किस कर्ब से वो शख्स गुजरे, वो उसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने उनकी बातें सुनी, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी से मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत पेश कर रहा हूँ, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, हमेशा अपनी बच्ची के साथ खड़ा रहूँगा, और मेरी बच्ची जब जल्द मेरे साथ वापस आएगी तो उसको वही प्यार और मोहब्बत मिलेगा। तो कैसे वालिद हैं कि अपनी बच्ची की मोहब्बत में कहाँ तक पहुँच गए, वरना अमूमन ऐसे वाकयात में आपने देखा है कि क्या से क्या हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा जिगरा है मेहदी साहब आपका। आप हमारी यही दुआएं हैं, मेरी तरह जो ये राय रखते हैं कि वालदैन हक पे हैं, उन सब के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। और जो कम उम्र बच्ची का साथ दे रहे थे, जो उन बच्चों को हीरो बनाकर पेश कर रहे थे, जिन्होंने ठीक इकदाम नहीं किया, उन सब के लिए एक बुरी खबर है, उन सब के लिए नाकामी है, उन सब के लिए एक सबक भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने देखा कि मेहदी साहब के चेहरे पर पहली मर्तबा मैंने हल्की सी मुस्कुराहट देखी, उनकी बातों में एतमाद और उनके चेहरे पर इत्मीनान देखा, तो मुझे भी वही सुकून कुछ महसूस हो रहा है। अब मैं ज़हीर की बात करूंगी कि अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद बच्ची कम उम्र साबित हो गई है। सिंध की कोर्ट में 18 साल उम्र है बच्ची के निकाह की, और जो पंजाब की कोर्ट्स हैं उसमें 16 साल हद मुकर्रर की गई है। और ये भी आपको बता दूं कि फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले इसमें शामिल हैं, उनके मुताबिक ये उम्रें मुकर्रर की गई हैं। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो ये रिश्ता, इसका जायज़ होना वो कतन ख़त्म हो गया है। अब हम आ जाते हैं ऐसे लोगों की तरफ जो बार बार ज़हीर को और दुआ को हीरो बनाकर पेश करते रहे, पता नहीं क्या क्या कहते रहे, उनको बार बार यूट्यूब पर लाते रहे, उनके इंटरव्यूज करते रहे, जिसको मैंने पहले भी पुरजोर अंदाज में मजम्मत का निशाना बनाया था, मैं आज भी उसकी मजम्मत करती हूँ। अब मैं सुनहरा से बात करना चाहूँगी। सुनहरा महम, आप भी इसी माशरे में रहती हैं, आप भी पाकिस्तान की बेटी हैं, क्या आपको वो तमाम हकायक मौजूद नहीं थे जो आज मेडिकल रिपोर्ट के बाद सामने आए? दुआ ज़हरा तो चले बच्ची थी, छोटी थी, कम उम्र थी, क्या आप बच्ची थी? आपको समझ और अकल नहीं थी? आप ये क्या कर रही थी जानते पूछते हुए? अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने के लिए, व्यूज को बढ़ाने के लिए आप जो कुछ करती रही वो इंतहाई गलत इकदाम था। क्या आपको ये सब कुछ नहीं पता था? क्या आपको ये नहीं पता था कि दुआ ज़हरा कम उम्र बच्ची है? और अगर नहीं पता था तो फिर कौम से माफी मांगना इस वक्त का जायज इकदाम होगा। और अगर आप कौम से माफी नहीं मांगती तो लोग जो आपके बारे में कहते रहे हैं, जिन खदशात का इजहार करते रहे हैं, आप उनको मजीद तकवीत देंगी और आप ये साबित कर देंगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। आप सुनहरा बार बार कहती रहीं कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आज भी उसके साथ खड़ी हूं, मैं सच के साथ खड़ी हूं, मैं हक के साथ खड़ी हूं। आप पाकिस्तान की जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देती, आपको दुआ ज़हरा की उम्र के बारे में पता था तो उसको बताती, और मैं फिर वही कह रही हूं कि अगर अभी पता चला तो अभी भी आप तमाम लोगों से माफी मांगे। और फिर उसको आपने जिस तरह से मुख्तलिफ स्टाइल में पेश करने की कोशिश की, कभी उनका डिफरेंट मेकअप कर दिया, हेयर स्टाइल बना दिए, कुछ वीडियोज़ में हमने देखा कि नीचे आपने एक गद्दी रखी हुई है जिसके ऊपर दुआ ज़हरा बैठी हुई है। मैंने आज से पहले कभी बात नहीं की, सुनहरा मैंने आपका नाम नहीं लिया,
मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मैं मजबूर हो गई हूँ कि आपका नाम लूँ, क्योंकि अगर ये सब कुछ जानते बूझते हुए आपने किया तो आप आलायकार बनी, और अगर आपको मालूम नहीं था तो अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने एक वालिद का बहुत दिल दुखाया। वालदा किस तरह से रोती थी, वालिद की वीडियो देख के मैं तड़प गई, तो उन सबसे खुदारा माफ़ी मांग लें। ये एक बच्ची का सवाल नहीं है, ये एक गली मोहल्ले की बात नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की बच्चियों की बात है, हमारी सोसाइटी की बात है। हम बहुत जिम्मेदारी से इस काम को कर सकते हैं, हमें ये सब कुछ नहीं करना है। ऐसी बच्चियां जो खुदा ना खास्ता कम उम्र में, छोटी उम्र में जज्बातीपन की वजह से घर वापस आ भी जाती हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको समझाएं, बुझाएं, ना कि उनको शह दी जाए। तो जुनैरा आप शह देने का बायस बनी है, आपने गलत चीजों को पोर्ट्रे किया है। आपको नहीं पता जुनैरा कि चाइल्ड इंडेंजरमेंट क्या होती है, YouTube का कानून क्या कहता है? चले वो तो दूर की बात है, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क्या कर रही थी आपको नहीं अंदाजा। आपने क्या किया है जुनैरा, मेरी समझ से बाहर है। आपका YouTube चैनल है, आप व्लॉगर हैं, आप जो कुछ भी कर रही हैं जरूर करें। मैं पहले भी ये कहती हूँ कि आप करें, आपका हक बनता है, आप सब्सक्राइबर्स बढ़वाएं अपने अपने चैनल के व्यूज के लिए, आप मेहनत करें, लेकिन मेहनत करें, सच को सच कहें, गलत को गलत कहें, सही को सही करें। ये नहीं कि आप सच को घुमा फिरा के किसी और एंगल में सामने पेश करें, जो कि देखा मैंने नीचे कमेंट्स भी पढ़े, लोग आपके बारे में क्या क्या कह रहे थे। और अब जरा जहीर की बात कर लेते हैं। जहीर और दुआ का रिश्ता तो आप बिल्कुल ही जायज नहीं करार दिया जा सकता। मैंने आपको बताया कि उसकी कानूनी हैसियत क्या रह गई है, कि वो कम उम्र बच्ची साबित हो गई है, माइनर साबित हो गई है, और अब मेरा ख्याल है अल्टीमेटली उसको अपने वालिदैन के पास वापस चले जाना चाहिए। और दुआ, मुझे पहले भी आप जैसे विक्ट्री का निशान बना रही थी, जैसे आप इंटरव्यूज दे रही थी और आप ये कह रही थी कि आप मेरे बारे में फिक्रमंद ना हो, मैं जानती हूँ आपको किस चीज़ की फिक्र है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, तो कुछ थोड़ा अपने वालिदैन का ख्याल करें, अपने उस वालिद का ख्याल करें। किस प्यार से वो कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी से मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत है, मैं बच्ची के साथ खड़ा हूँ, आइंदा भी खड़ा रहूंगा, वो वापस आ जाएगी, तो उतना ही प्यार और मोहब्बत उसको मिलेगा। तो बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, मेहदी साहब ने जिस तरह से ये सब कुछ किया, बड़े दिल गुर्दे की बात होती है, वरना बाप तो न जाने क्या क्या कर देते हैं गैरत के नाम पे, पता नहीं क्या क्या होता है, हम रोज देखते हैं। आज आपने केस के तहत होने वाली जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके बारे में भी सुन लिया, फिर जिब्रान नासिर साहब ने जब से केस को टेकअप किया वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, और बड़ी खुश आयन चीजें हुई हैं दुआ के वालदैन के हवाले से, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ बहुत से सवालात भी उभरते हैं। आईओ और डीएसपी साहब गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते रहे, जिसको पॉइंट आउट भी किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। बहुत से और सवालात भी जिब्रान नासिर साहब ने उठाए। जिब्रान नासिर साहब सामाजिक कारकुन भी हैं, वकील भी हैं, और साथ ही साथ वो इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो वो अब इस केस को आगे लेकर बढ़ेंगे। और ये केस अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में है, और उम्मीद यही है कि दुआ ज़ारा की वापसी मुमकिन हो पाएगी। यहाँ पे बहुत से सवालात मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि उठ रहे हैं, हमें बहसियत मुआशरा, बहसियत कौम, इन चीज़ों को एड्रेस करना है। बहुत से असबाक इस वाक़े के बाद हमें मिले हैं जिन पर हमें तवज्जो भी देनी है। पुलिस के बारे में हम अमूमन बात करते हैं कि पुलिस गुमराह कर देती है अदालतों को, तो कैसे होता है? वो इसी तरह से होता है कि जब आप गलत इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, आप किसी एक मौकफ पे डट जाते हैं, किसी भी वजह से पुलिस को ये नहीं करना चाहिए, जो हकायक है उनको सामने रखना चाहिए, सच बताना चाहिए, जो कि इस केस में भी नहीं किया गया। जिब्रान नासिर साहब ने भी कहा कि अदालतों को गुमराह किया गया, अदालतों को गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती रही, केस का कुछ और रुख हो जाए उसमें ज्यादा मेहनत की गई बजाय इसके कि उसका असल रुख जो है अदालत के सामने पेश किया जाए। तो ये बड़े ही अफसोस की बात है, ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए, ऐसे वाकयात होने नहीं चाहिए, हमें उनका कुछ सदबाब करना चाहिए, और अगर कुछ हो जाए तो पूरे निज़ाम को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते हुए ऐसे केसेस को रिजॉल्व कराना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद मामला कुछ ऐसे रुख पर आया कि हमें लगता है कि एक अच्छा फैसला हमें देखने और सुनने को मिलेगा, लेकिन फिर वही बात है कि बाकी कोर्ट्स में हमने देखा कि बच्ची के बयान को सही माना गया, उसके मुताबिक फैसले किए जाते रहे। अब जो पुरानी रिपोर्ट थी वो तो खत्म हो गई नई रिपोर्ट के आने के बाद, जिसमें बच्ची की उम्र तकरीबन 15 साल बताई गई है। इसके बाद अब जहीर के बारे में कहा यह जा रहा है कि अब चूंकि ये निकाह जो है, ये रिश्ता जो है, इसको जायज करार नहीं दिया जा सकता पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, पाकिस्तान की अदालतों के मुताबिक, तो जहीर की गिरफ्तारी के इम्कानात भी हैं, और जो लोग आलायकार बने उनकी गिरफ्तारी के इम्कानात भी हो सकते हैं। तो हमें बहसियत माशा थोड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है,
और बच्चों और बच्चियों की गलतियों को सुधारना है, क्योंकि ये उम्र बड़ी नाजुक होती है। ना ये कि उनको शह देनी है, उनको हीरो बनाना और कहना जी वाह आपने बहुत जबरदस्त काम किया। क्योंकि आज ये एक बच्ची का वाकया है, कल को अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है। और फिर जाते जाते भी मेरी दुआ के वालिदैन के लिए बहुत दुआएं हैं, और ख़ास तौर पर मैं दुआ के वालिद मेहदी साहब को सलाम पेश करती हूँ। और वही दुआ कि अल्लाह ताला हम तमाम पाकिस्तानियों, हमारे प्यारे पाकिस्तान का हामियो नासिर हो। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।